हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज नाइजन अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस इज फॉर ऑफ विजन पॉइंट आई होप यू आर डूइंग ग्रेट तो आज डियर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर सेवन दैट इज सम स्पेशल सीक्वेंसेस ठीक है जैसा कि आपने देखिए इसके लिए आपको ए वाला लेक्चर मेरा जरूर देखना होगा ताकि आप इसे रिलेट करा सको ठीक तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं तो अब इसमें डियर सबसे पहले कुछ आपकी सीरीज का समेशन आपको ध्यान रखना होगा जो हम लोग बार बार अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं ठीक तो पहले आपको मैं कुछ सिक्वेंसेज हैं उनकी सीरीज का सब मैं आपको बता रहा हूं उसको पहले आप देख लो ठीक है कभी भी अगर अपन लोग के पास ऐसा आ गया समेशन के वेयर के रन फ्रॉम वन टू वन दैट मीन्स दिस इज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 दिस इज सिंपली द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स ठीक है तो इसका आपको सम पता है ये कितना होता है डी दिस इज एन एन प्लस वन बाई टू ठीक नेक्स्ट देखिए आप इसी में डियर आप लोग क्या कर दो इसका स्क्वायर समीशन के स्क्वायर दैट इज के फ्रॉम वन टू एन अगर ऐसा कुछ है तो डियर इसका मतलब होगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट ऑ डॉट प्लस एन स्क्वायर और ये सिंपली कितना होगा डियर एन टू इसको मैं पहले सिक्वेंस में लिख देता हूँ आप पहले टू एन प्लस वन भी लिख सकते हो बट मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन ओवर सिक्स ठीक है फिर आपके पास देखिए एक और है एक और सीरीज का आपको ये सब स्टैंडर्ड सीरीज है ठीक है जिसका सम आपको याद रखना है अपने डिफरेंट क्वेश्चन करने के लिए ठीक है तो यहां पे अभी आप के वन टू एन कर दीजिए यहां पे कर दीजिए के क्यू तो ये डियर कितना होगा वन क्यू प्लस टू क्यू प्लस थ्री क्यू प्लस का डॉट डॉट प्लस का एन क्यू बिच इज इक्वल टू एन एन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर डियर इसको तुम्हें ये भी लिख सकते हो समेशन के का होल स्क्वायर के रन फ्रॉम वन टू एन ठीक है अब देखिए एक चीज यहां पे आपको और ध्यान रखना होगा कभी कभी ऐसे नंबर आ जाएंगे समीशन वन ठीक है के की वैल्यू क्या है वन से लेकर एन तक तो इसका मतलब होगा हाउ मेनी टाइम्स टाइम्स ठीक है तो इसका डियर अगर तुम लोग सम करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा क्या मिलेगा बताओगे एन सिंपली क्या मिलेगा एन ठीक है अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं लेकिन ये सीरीज को आपको क्या करना होगा स्टैंडर्ड सीरीज इसको आपको याद रखना है ठीक चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन लोग फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज आपको फर्स्ट एंड टर्म्स का क्या निकालना है सम निकालना है ठीक है अब देखो यहां करते क्या एक्सक्यूज <coughs> मी सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहां पे आपको निकालना होगा इसका जनरल टर्म ठीक है जनरल टर्म क्या होता है जो सीरीज के हर टर्म को रिप्रेजेंट करे ठीक तो पहले मैं इसका जनरल टर्म लिख देता हूं लेट टी एन बी जनरल टर्म तो जनरल टर्म कैसे लिखोगे देखो वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव इसका पहला अगर आप देखोगे पहला देखिए है तो इसके पहले टर्म से देखोगे दिस इज थ्री फाइव तो इसका जनरल टर्म क्या होगा जनरल टर्म होगा टू एन माइनस वन आप एपी की हेल्प से निकाल सकते हो ए प्लस एन माइनस वन डी से है ना उसको आप करके आसानी से बता सकते हो दिस इज टू एन माइनस वन यहां पर जरा एन की जगह वन रखो तो कितना आया वन देखो एन की जगह टू रखो टू टू जो फोर वन या थ्री देखो ये आपको टर्म मिल गया एन टू नेक्स्ट वाला जो टर्म है अगर आप ध्यान देखोगे तो वो कितना है टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन क्योंकि इसमें प्लस टू करोगे तो आपको नेक्स्ट वाला टर्म मिलेगा तो इसमें आप प्लस टू कर दो तो प्लस टू करोगे माइनस वन प्लस टू क्या हो जाएगा प्लस वन अच्छा इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो अपन लोग क्या मिल जाएगा फोर एन स्क्वायर माइनस वन है ना फोर एन स्क्वायर माइनस वन ठीक तो अब अपन लोग करेंगे हर क्वेश्चन में करेंगे ठीक है हर क्वेश्चन में अपन लोग क्या करेंगे आपको ध्यान रखना है हम लोग निकालेंगे समीशन ठीक है क्या निकालेंगे समीशन समीशन ऑफ टीके यही तुम्हारा क्या होगा एस एन सम ऑफ एन टर्म्स ठीक है जहां पे के की वैल्यू क्या होगी वन से लेकर एन तक ठीक है मैं इसको बार क्लियरली करके लिख देता हूँ सो so, देट आपको समझ में आ जाए देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या फिर समझ लीजिए सब सम, हमको निकालना होगा सम ऑफ एन टर्म्स तो इसका फॉर्मुला क्या होगा समीशन ऑफ टी के वेयर के रन फ्रॉम वन टू एन ठीक तो इस तरह हम इसको निकालेंगे चलो करते हैं फिर इसको ठीक तो यहाँ पे कितना है वन इंटू थ्री थ्री इंटू फाइव फाइव इंटू सेवन अभी अभी आपने इसका जनरल टर्म निकाल लिया था है ना अपन लोग ने टी एन निकाल लिया था कितना है फोर एन स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर माइनस वन तो अपन लोग को निकालना क्या समेशन ऑफ के जहां पे k कहां से कहां जाएगा टीयर फोर के स्क्त वन के वैल्यू से जाएगी वन से लेकर एन तक ठीक अब इसको आगे देखते हैं डियर तो यहां पे क्या होगा summation को अंदर कर दो फोर कॉन्स्टेंट क्योंकि नहीं तो बाहर हो जाएगा तो अपन के पास आ जाएगा समेशन के स्क्वायर ठीक है समेशन के स्क्वायर अब मैं वन साइड नहीं लिख रहा हूँ नो नहीं की वन ठीक इसके बाद माइनस का समीशन वन समीशन समेशन वन ठीक तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी समेशन के स्क्वायर तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन ओवर सिक्स ठीक एंड दिस इज माइनस एन ठीक तो दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे देखो टू टू जी फोर टू थ्री जो सिक्स ये तो कैंसिल हो गया एन कॉमन आ रहा है एन कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा अपन लोग के पास अंदर बचेगा एन प्लस वन टू एन प्लस वन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक तो इसको मल्टीप्लाई करोगे टू एन एन टू एन कितना हो जाएगा टू एन स्क्वायर हो जाएगा ठीक है यहाँ पे टू एन और एन है तो कितना हो गया डियर थ्री एन हो गया ठीक प्लस वन अपॉन का थ्री अब थ्री सा एलसीएम भी ले लेते हैं तो सो दिस इज माइनस थ्री एन होल डिवाइडेड बाई थ्री ठीक इसके बाद डियर कितना आ जाएगा दिस इज एन बाई थ्री इन ब्रैकेट तो यहाँ कितना आएगा टू एन स्क्वायर देखो ये कैंसिल हो गया है ना तो आपके पास कितना आ गया टू एन स्क्स वन आंसर ठीक तो बड़ा इजी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ द सीरीज तो यहां पे पहले आप जनरल टर्म निकलो है ना तो पहला तो देखो क्या है ये एन है पहला टर्म जिससे आपको बन रहा है उससे अपन लोग अगर हम लोग जनरल टर्म निकालेंगे है ना जनरल टर्म अगर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से सो दिस इज एन

तो चलो स्टार्ट करो अब समेशन लिखना इसका मतलब क्या करना होगा एस एन इज इक्व टू समेशन ऑफ टीके ठीक है के की वैल्यू वन से वन से लिखूंगा आप समझ जाइएगा ये होता है ठीक सो समेशन अब इसका पूरा समेशन ले लो दैट इज समेशन ऑफ के क्यूब प्लस का टू के स्क्वायर प्लस का के ठीक अब इसमें आता है समेशन ऑफ के क्यूब तो ये कितना होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टू समीशन ऑफ के स्क्वायर के स्क्वायर डेयर कितना हो जाएगा एन एन प्लस वन अपौन का अपॉन का अपॉन में कितना आ जाएगा टू एन प्लस वन अपौन का सिक्स ठीक और समीशन के कितना होता है दिस इज एन एन प्लस वन बाय टू तो अगर आप ध्यान से देखो एन एन प्लस वन एन एन प्लस वन एन एन प्लस वन सब में तो उसको कॉमन ले लेते हैं अपन लोग तो यहाँ से जब आप कॉमन ले लोगे अच्छा यहाँ पे भी देखो ये कैंसिल हो जाएगा थ्री टाइम्स है ना बट कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपन लोग को भी एल लेना है ठीक तो है तो उसको ऐसे ऐसा रखते हैं एन एन प्लस वन ले लेते हैं अब आपके पास बचा क्या आपके पास बचा एन एन प्लस वन अपॉन फोर ठीक आगे देखिए आपके पास क्या बचा? टू से अगर कर कैंसिल करोगे थ्री आ जाएगा है कर ना टू से अगर कैंसिल करेंगे अपन लोग कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा और एन प्लस वन कॉमन ले चुके तो आपके पास बच्चा टू एन प्लस वन अपॉन का थ्री ठीक है यहाँ पे क्या बचा है एन प्लस वन कॉमन ले चुके हैं वन अपॉन टू ठीक इस बात आपको सिंपल है क्या करना है इसका एल्सीम लीजिए और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा तो बहुत ईजी है कोई प्रॉब्लम नहीं है फोर थ्री टू का अगर आप एल्सीय लोगे तो आपके पास एल्सीम कितना आ जाएगा ट्वेल्थ है ना उस बात इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक एक और क्वेश्चन करते हैं अब ये थोड़ा सा देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज वन पॉइंट थ्री ठीक अब यहाँ पॉइंट तो लगा होता है लेकिन यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या है वन इंटू थ्री ठीक है ये ध्यान रखिएगा अब जरा यहाँ जरा आप लोग पहले ये बताओ कि इसका टी एन क्य होगा देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप देखोग इस क्वेश्चन को ध्यान से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो यहाँ सबसे पहले अपन लोग क्या निकालते हैं इसका टी एन वॉट इज टी एन ठीक तो अगर आप टी एन निकालोगे है ना तो टी एन कितना आएगा वन अपॉन ये वन एन टू थ्री ठीक तो वन अपॉन यहाँ पर कितना हो गया ऑर्डर नंबर वन थ्री फाइव मतलब टू एन माइनस वन है ना और ये कितना होगा टू एन प्लस वन ठीक है बाय पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे क्योंकि देखो यहाँ पे कोई जनरल टर्म आपका जो हमने जनरल स्टैंडर्ड सीरीज बनाई थी उसमें से मैच नहीं करेगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा ठीक तो उसमें तो हम लोग एक्सपर्ट हैं तो हम लोग क्या करेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कुछ ऐसा ब्रेक कर देंगे ठीक है वन अपॉन का टू एन माइनस वन माइनस वन अपॉन का टू एन प्लस वन ठीक है आप चेक कर लो टू एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा ठीक वन और ये माइनस माइनस प्लस वन तो टू टू से टू कैंसिल हो गया है ना तो सिंपली आपको ये मिल जाएगा ठीक अब यहाँ पर डियर अपन लोग क्या करेंगे हमको क्या निकालना है ऐसे निकालना है ठीक ऐसे मतलब होता है समीशन ऑफ टीके समीशन ऑफ टीके और जहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी वन सेवन तक तो अपन लोग सबकी वैल्यू रखते, है। रखते हैं पहले वन रखते हैं वन बाई टू तो सब में कॉमन है इसको बाहर कर देते हैं तो यहाँ पहले वन रखो तो वन अगर रखोगे वन 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 तो वन में कितना आ जाएगा ये अपन लोग के पास आएगा वन टू वन ज टू वन ठीक माइनस ठीक आगे बढ़ते हैं प्लस टू रखो तो टू डोजा फोर फोर वन गए थ्री माइनस वन अपॉन फाइव ठीक है टू डोजा फोर प्लस वन फाइव ठीक आगे बढ़ते हैं एक टाइम और लिखते हैं सो दिस इज वन अपॉन फाइव माइनस वन अपॉन सेवन प्लस का डॉट 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 अब लास्ट वाला टर्म लिखते हैं ठीक है एन्थ वाला एन्थ भाई के के वैल्यू वन से एन जा रही तो एन रख तो यही आ जाएगा सो दिस इज वन अपॉइन टू एन माइनस वन वन टू एन प्लस वन ठीक ये आपका सिंपल आ गया अब देखो मज़ेदार चीज़ अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं देखो माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री से कैंसिल माइनस वन बाई फाइव प्लस वन बाई फाइव से कैंसिल माइनस वन बाय सेवन अपने आगे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा ठीक देखो तो हो क्या रहा है सेकेंड वाला फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है तो इसके पहले वाला जो सेकेंड होगा फर्स्ट से कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास सिंपल बचा क्या अपने पास बचा वन अपॉन टू इन ब्रैकेट यहाँ से बचा वन और यहाँ जरिए अपने पास बचा टू एन प्लस वन है ना अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो अपने पास क्या आएगा टू एन प्लस वन माइनस का वन अपॉन का टू एन प्लस वन ठीक है तो वन वन कैंसिल हो गया तो टू से टू कैंसिल हो गया है ना तो आंसर क्या आया एन अपॉन टू एन प्लस वन दिस इज़ योर फाइनल आंसर ठीक है आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे माय डियर स्टूडेंट्स ठीक है अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे पैरस नंबर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दैट इज सेवन थ्री एट जीरो फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते है, हमारी पर, so, हैं हमारी वेबसाइट पर दैट इज डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एन आई एस डॉट विजन पॉइंट डॉट ओ आर जी डॉट इन सो मिलता है मिले तब तक के लिए बाय बाय